Hi students, welcome to the channel. In this video, we are going to cover some important types of bridges in computer networking. So, in computer networking, generally we have three types of bridges. Okay, so the first type is translational bridge. Okay, second type is source route, you have a source route bridge, and the third type is transparent bridge. ट्रांसपेरेंट ब्रिज ओके ऑल दीज आर द्री टाइप्स ऑफ ब्रिजेस राइट एंड जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है देख लीजिए ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है जो कि अदृश्य हो किसी को नजर ना आए सेकेंड टाइप इज सोर्स रूट ब्रिज इसमें क्या होता है जो सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं उनके ब्रिच में एक ब्रिज होता है जो कि फ्रेम्स के फॉर्मेट में प्रॉपर रूट्स फाइनलाइज करता है राइट नेक्स्ट इज ट्रांसलेशनल ब्रिज ट्रांसलेशन करना ट्रांसलेट करना क्या होता है टू कन्वर्ट समथिंग ओके सो यहाँ पे क्या होता है एक नेटवर्क सिस्टम को दूसरे नेटवर्क सिस्टम में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप के ब्रिज में ठीक है सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री पॉइंट्स इन डिटेल राइट सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज ट्रांसपेरेंट ब्रिज ट्रांसपेरेंट ब्रिज ओके तो जनरली क्या होता है देख लो एक साइड ये है दूसरी साइड ये है या फिर हम बोल सकते हैं एक नेटवर्क ये है दूसरा नेटवर्क ये है ठीक है इन दोनों नेटवर्क्स को अगर हम लोगों ने कनेक्ट करना है टू शेयर समथिंग सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज राइट right, ये होता है ना ब्रिज का बेसिक मतलब सो ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या होगा दो नेटवर्क हैं दोनों नेटवर्क को हमने कनेक्ट किया है ब्रिज भी है बट वो ब्रिज क्या है वो ट्रांसपेरेंट है वो इन दोनों नेटवर्क को नजर नहीं आ रहा है ओके दीज आर दी ब्रिज इन विच द स्टेशन आर कंप्लीटली अन अवेयर हियर सम स्टेश आर कंप्लीटलीयर ऑफ अन अवेयर ऑफ ब्रिजेस ब्रिजेस एग्जिस्टेंस ओके यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क्स को पता नहीं होता है कि ब्रिज बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ओके दैट इज वेदर और नॉट अ ब्रिज इज एडिड और डिलीटेड फ्रॉम द नेटवर्क रिकन्फिग्रेशन ऑफ द स्टेशन इज अननेसेसरी ओके रिकन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू स्टेशन दीज टू नेटवर्क्स इज अननेसेसरी ओके दीज ब्रिजिस मेक यूज ऑफ टू प्रोसेस इट मेक यूज ऑफ टू प्रोसेस फर्स्ट इज ब्रिज फॉरवर्डिंग एंड द सेकेंड पॉइंट इज ब्रिज लर्निंग ओके सो ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं वो ये दो टाइप्स को यूज करते हैं ठीक है एंड यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है कि दोनों स्टेशन जो दोनों नेटवर्क हैं जिनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है इन दोनों नेटवर्कस को पता नहीं चलता है कि बीच में कोई ब्रिज एग्जिस्ट करता है या नहीं है ओके okay. So transparent bridges perform only the functions of blocking. They perform the functions of blocking and forwarding. Blocking and forwarding data based on data based on the MAC address. On the MAC address, MAC means media access control. Okay, MAC address the devices on the network are oblivized to these bridges existence right so transparent bridges are by far the most popular type of bridges these are the most commonly used and the most popular type of bridges right next type is translational okay iskamatlab had to convert something okay a translational bridge can convert from one networking system to another okay it can convert from one networking system to another. Okay, as you might have guessed, it translates the data it receives. Okay, it is generally used to translate the data it receives. Okay. ट्रांसलेशनल ब्रिजेस आर यूजफुल फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क सच एज़ इथरनेट एंड टोकन रिंग नेटवर्क यहाँ पे क्या होता है दो नेटवर्क होते हैं उनको हम लोग ब्रिज से कनेक्ट करते हैं लेकिन अगर ये दोनों नेटवर्क अलग हैं सपोज दिस इज़ इथरनेट ओके एंड दिस इज टोकन रिंग नेटवर्क ये दोनों डिफरेंट नेटवर्कस हैं अगर इन दोनों नेटवर्क को हम लोगों ने कनेक्ट करना है सो वी कैन यूज ट्रांसलेशनल टाइप ऑफ ब्रिजेज राइट सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ट्रांजेक्शनल ब्रिज कैन ऐड और रिमूव इन्फॉर्मेशन ओके दे कैन एड और रिमूव इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड फील्ड फ्रॉम द फ्रेम फ्रॉम द फ्रेम्स एज नीडिड ओके सो यहाँ पे जनरली क्या होता है देख लीजिए बताया हमने कि ये कन्वर्ट करने के काम आता है अब इथरनेट है दूसरा टोकन रिंग है इथरनेट कुछ और टाइप की चीजों को समझ सकता है फाइल को किसी और फॉर्मेट में समझ सकता है एंड टोकन रिंग उसी फाइल को किसी और फॉर्मेट में समझता है ओके सो so, ये कन्वर्टर क्या करता है ये क्या करता है इथरनेट ने कोई भी फाइल भेज दी ठीक है उसे कन्वर्ट करेगा ऐसे फॉर्मेट में जो कि टोकन रिंग समझ सके ओके जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इमेज मैं भेज रही हूँ जेपीजी की फॉर्मेट में ये सिंपल सा एग्जांपल है ठीक है जेपीजी की फॉर्मेट में भेज रही हूँ लेकिन मेरा कंप्यूटर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट की फाइल को नहीं ए, समझ सकता तो ये क्या करेगा अगर हम लोग इस तरह का कोई ब्रिज यूज़ कर रहे होंगे तो ये जेपीजी को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा PNG फॉर्मेट में एंड जब भी मैं फाइल रिसीव करूंगी तो PNG फॉर्मेट में ही करूंगी मुझे यह नहीं पता चलेगा इस डेस्टिनेशन सिस्टम को यह नहीं पता चलेगा कि सोर्स से जो फाइल है वो JPG फॉर्मेट में निकली थी ठीक है so, सो ये काम करता है ट्रांजैक्शनल ब्रिज ओके थर्ड टाइप इज सोर्स रूट सोर्स रूट ब्रिज ओके सोर्स रूट ब्रिजेस वर डिजाइन बाय आई बी एम दीज आर डिजाइन बाय आई बी एम फॉर यूज फॉर यूज़ ऑन टोकन रिंग नेटवर्क ठीक है ये कहाँ पर यूज होता है टोकन रिंग नेटवर्क में ही यूज होता है ओके टोकन रिंग्स क्या होते हैं ये डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी ओके आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि सिर्फ टोकन रिंग जो है वो कौन से ब्रिज में यूज़ होता है द आंसर इज सोर्स रूट ब्रिज इस ओके so the source root bridge derives its name from the fact that the entire root of the frame is embedded within the frame ठीक है जो पूरा root है वो एक frame के अंदर बताया हुआ है ठीक है ये पूरा एक frame है इसके अंदर एक proper root बताया है यहाँ से source है ये destination है source से destination में कोई file जानी है तो frames के अंदर पूरा एक root predefined होता है ठीक है इसीलिए इसका नाम है source root bridges ok this allow the bridge to make specific decisions about how to frame how the frame should be forwarded through the network ok so token ring makes the chances that you will work with the source root bridges very slim. ओके सो टोकन रिंग से क्या हो सकता है ये जो ब्रिजेज़ होंगे ये बहुत स्लिम होंगे एंड ये जो रूट होगा ये प्री डिफाइंड होता है एंड ये बेस्ट रूट यहाँ पे फाइंड किया जाता है ठीक है जनरली राउटर का क्या काम होता है राउटर्स क्या करते हैं रूट बताते हैं सो so, यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो ब्रिज यूज होगा ये बेस्ट रूट हम लोगों को ढूंढ के देगा एंड ये ब्रिज बहुत ही क्या होता है थिन होता है थिन क्यों होता है बिकॉज ऑफ टोकन रिंग Okay, so this is all about the basic three types of bridges in computer networking. I hope you understand. Thank you.